अस्सलाम वालेकुम, आदाब, कैसे हो दोस्तों। फिर से एक सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो सेशन है, आज हम कुछ एंटासिड्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जो डिफरेंट एंटासिड्स हैं। एंटासिड मतलब जो बहुत से पेशेंट एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम बताते रहते हैं दोस्तों, तो उस बारे में मैं आज थोड़ा सा एक रिव्यू आपको एंटासिड्स के बारे में देना चाहता हूँ। तो बहुत सारे एंटासिड हमारे पास हैं, एलोपैथ है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ के हैं। एलोपैथिक के जो एंटासिड्स हैं उनके कुछ टैबलेट्स के मैं नाम आपको बताऊंगा दोस्तों, जो बहुत से फेमस हैं, जैसे कि रैनटैक, एक ऑन काउंटर सेल मेडिसिन, इसमें रैनिटिडिन कंटेंट होता है, 150 mg, 300 mg ये मिलता है। इसका रोल बहुत ही अच्छा है, और ये बताने चाहेंगे तो इसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बहुत ही चीप कॉस्ट है, मतलब बहुत ही कम प्राइस में इसका कॉस्ट मिनिमम, एक गोली का कीमत जो है 1 रुपये से भी कम है। तो इसका रिजल्ट भी अच्छा है, और अच्छा है ये भी, रैनटैक 150 रैनटिडिन। फिर इसके बाद फैमोटिडिन मिलता है, फैमोसिड 2040, ये भी एक अच्छा कंटेंट का एंटासिड है। ये जो एंटासिड्स हैं दोस्तों, इनको H2 ब्लॉकर्स कहते हैं, दैट इज़ रैनटिडिन, फैमोटिडिन, ये जो है एक ही ग्रुप के एंटासिड हैं, और इनका जो रोल है वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो आप सिंपली इनको ले सकते हैं, बट एक सजेशन है कि जब भी आपको प्रॉब्लम हो, गैस्ट्राइटिस हो, तभी आप इसका यूज़ या सेवन कर सकते हैं। दूसरा एक कंडीशन इसमें है, जो तो दूसरा एक है, इसको PPI ग्रुप कहते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये ग्रुप है जिसमें एंटासिड्स में, इसमें बहुत ही फेमस एंटासिड्स आप सबके चाहिए, आप सबको जो पैरा एंटासिड्स हैं, जैसे कि PAN40, पेंटाप्रजॉल, रेबीप्रजॉल, ओमीप्रजॉल, लैंसोप्रजॉल, इसिमाप्रजॉल, ये जो है तमाम एंटी तो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है एंटासिड्स, ये इस ग्रुप में आते हैं दोस्तों, और आपको ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो PAN40 टैबलेट मिलता है जिसमें पेंटोप्रजॉल है, PAN D मिलता है जिसमें पेंटाप्रजॉल प्लस डॉम्पेरिडॉन है, पेंटॉप DSR कैप्सूल मिलता है, रेबिसिप D मिलता है, रेबीप्रजॉल डॉम्पेरिडॉन, इसिमाप्रजॉल प्लस डॉम्पेरिडॉन, सोमप्राज़ इसका नाम है कैप्सूल का, या सोमप्राज़ इसिमाप्रजॉल 40 mg, अलग अलग कैप्सूल्स आपको है। मेरे सजेशन में अगर आपको बहुत ही हाइपर एसिडिटी है तो आप सोमप्राज़ के साथ जा सकते हैं, सोमप्राज़ दैट इज़ इसिमाप्रजॉल प्लस डॉम्पेरिडॉन, ये आप ले सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत से एंटासिड्स जो मिलते हैं, जो कि एक प्रकार के एंटासिडिक एंटीजियल, और उसको क्या बोलते हैं, उसको एनेस्थेटिक मतलब बोलते हैं, तो उस प्रकार में भी बहुत सारे एंटासिड्स हमें मिलते हैं, जैसा कि डाइजीन है, म्यूकेन जेल है, सुक्राफिल और एसिनलो जेल है, ये तमाम प्रकार के ये सिरप फॉर्म में मिलते हैं। तो इसमें भी सुक्राफिल भी अच्छा है, डाइजीन भी अच्छा है, म्यूकेन जेल भी अच्छा है, और एसिनलो भी अच्छा है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी, अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी है तो यू कैन गो विथ सिरप्स, सो इसमें सिरप्स भी बहुत सारे मिलते हैं। ये हुआ इसमें, और बहुत सारे मार्केट में सिरप्स या टैबलेट्स अवेलेबल हैं, तो अलग अलग ब्रांड के अलग अलग रहते हैं, तो उसमें हमें ब्रांड के ऊपर उतना नहीं सोचना है, कंटेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। तो सोमप्राज़ मैंने बताया, बहुत से लोग PAN D भी खाते हैं, इसिमाप्रजॉल भी खाते हैं, तो कोई भी एक एंटासिड आप कंटिन्यू करें। उसी के साथ दोस्तों, बहुत से जो है आयुर्वेदिक भी मेडिसिन एंटासिड्स के फॉर्म में है, जैसे कि आप सबको पता ही है, पुदीन हरा मिलता है, और बहुत सारे आयुर्वेदिक एंटासिड्स भी वहाँ पे उपलब्ध है, पुदीन हरा है, झंडू पंचारिष्ट है, अलग अलग प्रकार के लॉट्स ऑफ देयर आर, पेंटासिड है, पेंटाकाइंड है, पेंटासिड बोलकर एक शारंगदर का मिलता है, तो अलग अलग प्रकार के, फिर सुत शेखर है, एष्टि मधु है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो है, त्रिकटू भी हम ले सकते हैं। तो ये सब मेडिसिंस का आप एज एन एंटासिड बोलकर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो होप आगे फिर से एक अलग सेशन मिलेंगे, अलग मेडिसिंस के ऊपर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।